अच्छी रैंक आती है और अच्छा लगता है, अभी अच्छा लगता है. अच्छा लगता है. सो बेसिकली जो आपने तैयारी शुरू की वो कब से शुरू कर दी थी? मैं 9th से KCS में आके मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी. और 9th में ऐसे आप बेसिक्स बिल्डअप करते हो, अपने फाउंडेशन बिल्डअप करते हो, हर टॉपिक का थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा हो गया. फिर 11th 12th में उसी को डेवलप किया था और अच्छे से प्रैक्टिस. और आप थॉमस से मिल रहे हैं और इनकी खास बात क्या है कि ये 9th क्लास से इन्होंने पढ़ना शुरू किया और पूरे 4 साल नॉन स्टॉप पढ़ाई, जम के परिश्रम. और अभी इनसे इनकी बहुत सारी बातें समझेंगे, लेकिन कम से कम एक बात इनके बारे में बता दें जो ये खुद भी बताएंगे कि इन्होंने 4 इयर्स मेहनत नहीं की, एंजॉय किया. और वो क्या मेहनत, इन्होंने खुद भी बताया भी कि जब आप एंजॉय करते तो मेहनत नहीं होती है, ऐसा लगता है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. तो हम ये जानेंगे कि कैसे ये आसानी से इसको पार्ट ऑफ लाइफ बना लिया और कैसे 9th 10th में भी कई एग्जाम्स को पास करते हुए 11th में KVPY क्लियर किया. 12th में कौन सा ये ऐसी जड़ी बूटी खाते थे कि CBSE में भी टॉप कर गए, JEE एडवांस में भी टॉप कर गए और JEE मेन में भी अच्छा किया. तो थॉमस जी आप पहले बताइए कि इतना सारा एक साथ इन सारे एग्जाम्स में आप कैसे अच्छा करते हैं? ऐसे मैं एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन तो नहीं करता था, मतलब जो अब बेसिकली जो जनरल स्टडी कर रहे हो, एडवांस के लिए मत करना. ऐसे कोई टॉपिक अच्छा लग रहा है, मतलब जब क्लास में आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो उस टॉपिक को अच्छे से कर लेना. और उस टॉपिक में जैसे ज़्यादा मजा आ रहा है तो खुद ही अपना प्योरली इंटरेस्ट बेस्ड और डेप्थ में आना उस टॉपिक पे, और उस टॉपिक पे और भी एक्स्ट्रा पढ़ते रहना. और जब वो टॉपिक खत्म हो जाए तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाना. तो मैंने कभी एग्जाम के सोच के नहीं किया था कि ये एग्जाम निकालना है तो इसके लिए पढ़ूंगा, ऐसे टाइप का कभी नहीं किया था. एक जनरल प्रिपरेशन की थी और फिर वो एग्जाम दिए थे तो उसमें हो गया था. 10th में जैसे आपने एग्जाम दिया, 10th में जो आप पढ़ाई कर रहे थे तो 10th में ऑब्वियसली NTSC के लिए पढ़ाई कर रहे थे, तो वहां पे आपका क्या तरीका था कि NTSC भी आप दिया, आपने पैरेलल में RMO भी दिया, तो कैसे मैनेज कर रहे थे आप? NTSC में तो बेसिकली जो फिजिक्स केमिस्ट्री होता है वो सब तो थोड़ा जो आपको कैसे कोचिंग वोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स वोट देख के भी हो जाएगा अच्छे से. जो लेकिन जो ओलंपियाड जो है उसके लिए सर तो क्लासेस लेते ही है, उसमें जो पढ़ा रहे हैं वो देख लेना. और उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है, हर एक प्रॉब्लम में कुछ अलग कंसेप्ट लग रहा होता है, कुछ नया होता है, तो ऐसे उसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करना ताकि मैक्सिमम कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाए. ओके, तो जैसे जब आप 10th में पढ़ रहे थे तो तब स्कूल स्टडीज और ये NTSC प्रिपरेशन, इसमें बैलेंसिंग कैसे कर रहे थे आप? 10th में एक्चुअली स्कूल में लोड उतना ज़्यादा तो रहता नहीं है कि उसको ज़्यादा कुछ करना रहता है उसमें, तो उसमें स्कूल में ख़त्म कर देना, मतलब स्कूल में जब पढ़ाया जा रहा है उसी को तभी पढ़ लेना. लेकिन जब 10th के बोर्ड आएंगे तब सोशल साइंस वो सब कुछ वैसे सब्जेक्ट रहते हैं तो वो सब थोड़ा टाइम लेके करना, वो थोड़ा मुश्किल होता है. मैथ्स की कंपैरिजन में SST ज्यादा मुश्किल है. ही इज एंजॉयिंग मैथमेटिक्स, सो ऑब्वियसली व्हाटएवर सब्जेक्ट यू आर एंजॉयिंग तो वो तो ज्यादा इजी हो जाता है ना. सो ही इज एंजॉयिंग मैथमेटिक्स, सो मैथमेटिक्स पार्ट इज इजी. सो मतलब जब आप जैसे शुरुआत में जब 10th में आपने तैयारी शुरू की तो जो 10th के टॉपिक्स हैं और उस समय NTSC के टॉपिक है उसमें बैलेंसिंग कैसे हो रही थी? 10th में NTSC के लिए भी NTSC में PCM आता है और मतलब जो PCM पढ़ रहे हैं स्कूल में उसी को थोड़ा एक हायर लेवल लेके जाना, उसमें जो क्लासेस में तो बताया ही जाएगा उसी के क्वेश्चंस करते रहना तो NTSC की में तैयारी हो ही जाएगी और स्कूल की तो हो ही रही है साथ में. फिर उसमें NTSC में भी जो सोशल आता है तो वो भी थोड़ा मतलब मुश्किल रहता है, उसके लिए भी मतलब पढ़ते रहना साथ में. वो आखिरी में एक बार में तो नहीं होगा तो उसके लिए भी कभी कभी टाइम निकाल के ऐसे 1 घंटा सोशल कर लिया कोई एक टॉपिक वैसे टाइप. अच्छा, एक और इनका जो अभी जैसे अभी छुट्टियों में स्कूल की छुट्टियां हैं, आपको 9th 10th 11th 12th इन चारों इयर्स के बीच में कुछ छुट्टियां मिली होंगी स्कूल में, जैसे 10th के बाद भी मिली होगी जब 11th में आप गए या जब 9th से 10th के बीच में आए, तो इन छुट्टियों में आप क्या करते हैं? मतलब इनको लगता है कि छुट्टियाँ हैं तो लेट्स एन्जॉय, तो वो छुट्टियों के बारे में थोड़ी जानकारी आती है कैसे यूटिलाइज की आपने हर बार?
छुट्टियों में मतलब ठीक है एंजॉय तो थोड़ा कर सकते हैं लेकिन एकदम ज्यादा भी एंजॉय मत करना कि पढ़ाई वढ़ाई भूल गए, मतलब उसमें पढ़ाई तो करते रहना, मतलब थोड़ा मतलब जनरली जो स्कूल डेज में जो पढ़ाई करो उससे थोड़ा बढ़ाई देना ताकि मतलब छुट्टियों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, और फिर जब आपको लग रहा है कि हाँ आज काफी कर लिया है मतलब ऐसे एक सेटिस्फेक्शन टाइप का जब आ गया तो खेलने चले जाना अच्छा भी लगेगा खेलते हो। एक बहुत जरूरी मैसेज दिया कि जब छुट्टियां हैं तो अपने जो पढ़ाई का टाइम है उसको थोड़ा बढ़ा लेना, मतलब जो लोगों को लग रहा है कि छुट्टियां हैं तो थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, जबकि इन्होंने बोला थॉमस जी ने क्लियरली कि जो छुट्टियों का टाइम है उसमें ड्यूरेशन बढ़ा लो थोड़ा, क्योंकि अभी आप ज्यादा रिलैक्स हो। तो मतलब जैसे जो आपने खेलने की बात की, ये पूरे चार साल में खेलना कैसा, मतलब कितना इंक्लूसिव था आपकी तैयारी में? मैं तो ऑलमोस्ट जब भी कोचिंग अगर रहती थी, अगर खेलने से इंटरफेयर करता था तब तो ठीक है, बट जो उसको छोड़ के जो दिन रहते थे उनमें मैं खेल लेता था, कम से कम 1.5 आवर्स के आसपास खेल लेता था, तो उतना तो खेलना चाहिए, मतलब वो थोड़ा ऑप्टिमम रहता है, आपको माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा और फिर उसके बाद जब पढ़ने बैठोगे तो और मजा ही आएगा। खेलना बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं उससे स्ट्रेस लेवल भी हमारा घट रहा है और पॉजिटिविटी भी आ रही है। तो खेलते थे तो जो आपका ग्रुप होता था खेलने वाला, उसमें मतलब कौन टाइप के लोग होते थे, कौन कौन आपके दोस्त थे, कुछ बताएं जरा इनको। हाँ, जिस ग्रुप के साथ मैं खेलता था उसमें वही लोग रहते थे जो मेरे साथ यहाँ भी पढ़ते थे, मतलब जो मेरा जनरल ग्रुप था वही हम लोग ही खेलते रहते थे, तो कभी खेलते खेलते भी प्रॉब्लम डिस्कस हो जाती थी, मतलब ऐसे मत करना, मतलब खेलना ही कभी कभी ऐसे कुछ डाउट आए तो वो फील्ड में पूछ लेते थे, मतलब एक ऐसे जनरल ग्रुप रखना जिसमें मतलब आपस में काफी इंटरेक्शन हो आपके बीच। बड़ा ही सीक्रेट वाली बात इन्होंने बताई है, कुछ लोग अगर ध्यान से सुन रहे हो, बड़ा सीक्रेट बताया इन्होंने और धीरे से समझा भी दिया, खेलते भी रहना, मतलब उन्हीं दोस्तों के साथ खेलने जा रहे हैं जो यहाँ भी मिल रहे हैं, जो वहाँ भी मिल रहे हैं और हर जगह मिल रहे हैं, यानी प्लानिंग इन लोगों की बिल्कुल सेट थी, खेलते खेलते भी एक आध डाउट डिस्कस कर लेते, आप समझ रहे ना बात को। कई बार ये अपनी बात को बहुत हल्के में लेंगे लेकिन आप जरा उसके पीछे के मैसेज को समझिए कि कितनी बड़ी बात है कि हम अपने टाइम को पूरी तरह अपनी प्रेपरेशन में ही इन्वॉल्व किया हुआ है। इन्होंने बोला 1.5 आवर्स खेला, असली बात बाद में बताई कि बीच में थोड़ा डाउट डिस्कस कर लिया आप लोगों ने, बात रास्ते में चलते चलते थोड़ी देर खेलते खेलते खेलने के बाद थक के बैठ जाने के टाइम पे, दे वर डूइंग लाइक दिस। इस मैसेज को भी समझने का प्रयास करो और मोटे तौर पे हम ये कहें क्योंकि आई एम वॉचिंग देम फॉर लास्ट 4 ईयर्स कि ये 3-4 दोस्त पूरी तरह इन्वॉल्व थे, डिस्कशन कर रहे थे, तो खेलने का भी इन्होंने भरपूर फायदा उठाया। तो मैसेज को ठीक ढंग से रखिएगा, नहीं तो पता लगा 1.5 घंटे खेल रहे हैं और थक गए फिर घर जाके सो गए। ओके, दूसरा कि ये जैसे मैक्सिमम बच्चों की ये प्रॉब्लम है इन लोगों की कि ये मैनेज नहीं कर पाते अपना टाइम, कई बार इनकी समस्या है कि आज फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े मैथ्स पढ़े SST भी है, तो ये मैनेजमेंट का क्या तरीका है आपका? मैनेजमेंट 10th में जो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो मतलब जो क्लास में जिस दिन क्लास हुई है उस दिन क्लास में जो पढ़ाया है उसको पहले अच्छे से कर लेना, और उसी में जैसे टॉपिक में डाउट है कुछ समझ में नहीं आया तो उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना, बाकी PCM तो ऑलमोस्ट हर दिन होते रहेगा तो सोशल का थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देना कभी कभी, मतलब जैसे 3-4 दिन में एक बार कर लिया, थोड़ा 1-2 घंटे सोशल को दे दिया, वो भी कर देना नहीं तो आखिरी में काफ़ी लोड बन जाएगा। यानी एक पैरेलल में चलते रहें, जो क्लास आप कल अटेंड करने जा रहे हैं उसके लिए आज ज़्यादा पढ़ लो, और जैसे किसी दिन छुट्टी है आज छुट्टी का दिन है तो क्या करते थे आपका प्लानिंग? छुट्टी के दिन मतलब क्लास के जो टॉपिक्स अगर वो हो गए अच्छे से तो क्लास के आगे जाके और पढ़ लेना तो वो भी फायदा ही देगा आपको, मतलब कुल मिला के पढ़ते रहना। खेलना भी छुट्टी के दिन खेलना भी है, लेकिन आप बात को समझ रहे हैं, मैं बार बार इसी मैसेज पे जोर दे रहा हूँ कि लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप कई बार आप लोग भी पूछते हैं कि सर क्या डिफरेंस है जो लोग टॉप कर रहे होते हैं और हम में, या जो लोग नहीं कर रहे होते हैं उनमें, एक सीधा सिंपल सा एक लाइन का डिफरेंस है, हर बात ही अपनी जोड़ देते हैं अपने टारगेट के साथ। इन्होंने बोला खेलना जरूरी है, क्यों? क्योंकि स्ट्रेस रिलीज करना है, और खेलना दोस्तों के साथ है जिससे डाउट भी डिस्कस करना है, सो दे आर कनेक्टिंग विद जो भी इनका गोल है उससे जाके ये पूरी तरह कनेक्ट करते हैं, इस बात को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। थोड़ा सा आपकी जो 9th-10th में RMO के लेके तैयारी हुई थी उस पर कैसे कैसे चले और क्या किया?
आरओ के लिए पहले तो कोई जैसे नया टॉपिक है वो सर ही इंट्रोड्यूस करते थे और उस वही पढ़ाते थे, फिर जो बुकलेट होती थी उससे अटेम्प्ट करता था, उसमें बनते भी नहीं थे कुछ कुछ, तो उसके लिए फिर कुछ एडिशनल बुक्स देख लेता था, जैसे जो भी प्री कॉलेज मैथमेटिक्स हो गई उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी देख लेता था, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेता था। तो ऐसे बेसिकली अब क्या करना है कि कोई टॉपिक अगर नहीं आ रहा है तो उसकी थ्योरी देख लेना, जब वो हो जाए तो क्वेश्चंस करना उससे रिलेटेड, लेकिन पहले जो सर जो क्लास में जो करा रहे हैं उसी से स्टार्ट करना। कई बार इनका ये क्वेश्चन रहता है कि हमने पता लगा ओलंपियाड के क्वेश्चंस लिए और सॉल्व नहीं हो रहे, कितना अटेम्प्ट लें, कितना टाइम लगाएं, मतलब ओलंपियाड का क्वेश्चन है तो आप एक घंटा तो दे सकते हैं किसी क्वेश्चन को, मतलब अगर नहीं बन रहा है बनाते रहना, एक घंटे में भी नहीं बनेगा तो किसी और दिन के लिए रख देना, एक और घंटा दे देना, ऐसे तीन चार अटेम्प्ट्स के बाद भी नहीं बनेगा तो थोड़ा बहुत सोल्यूशन देख लेना उसका, पूरा मत देखना थोड़ा बहुत देखना, फिर उसमें जैसे कोई स्टेप रहेगा कि ये करना है फिर आपको समझ में आएगा अच्छा ये ऐसा कुछ करना था, तो उससे डिराइव करके आगे करते रहना। मैसेज बड़ा क्लियर है कि ओलंपियाड के क्वेश्चन को ऐसा नहीं सोचे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम बैठे और आंसर क्यों नहीं आया। He was saying very clearly, एक घंटा पहले लगा दो, फिर उसके बाद अगले दिन फिर एक घंटा लगाएंगे और टाइम लगाएंगे, तीन चार बार ट्राई करेंगे। So if you people are thinking कि सब फटाफट हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, ऐसा कम से कम ओलंपियाड के पेपर में नहीं होता, तो इस बात को समझने का प्रयास करें। अच्छा, दूसरा कि जब आप टेंथ में पढ़ रहे थे तो कितना आपकी प्लानिंग थी कि हम इलेवेंथ के कुछ टॉपिक्स को कर लें, या क्या उसके पीछे सोच थी जब टेंथ की पढ़ाई कर रहे थे आप? जब टेंथ में पहले जब नवंबर में एनटीएससी होता है तो उसके पहले तो मैं एनटीएससी फोकस की प्रिपरेशन कर रहा था, फिर यहाँ पे भी जेई फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो फिर मैं थोड़ा जेई की तरफ आया कि हाँ ये सब भी करना है, और फिर जो स्टेज टू होता है उसमें भी मतलब थोड़ा ऊपर हायर लेवल के आते हैं, तो फिर मैंने थोड़ा प्रिपरेशन बढ़ा दिया था, फिर थोड़ी इलेवेंथ की एनसीईआरटी को देखने लग गया था और फिर स्टार्ट किया था। मतलब देखा जाए तो कुछ चैप्टर 11th के सॉल्व किए थे आपने, कितने चैप्टर करीब 11th की बुक के एनसीईआरटी के आपने कर लिए होंगे 10th में पढ़ते पढ़ते? सच तो याद तो नहीं है, बट फिजिक्स में मैं इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा 12th का भी देख लिया था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कुछ, मतलब ज्यादा तो नहीं होगा, मतलब ज्यादा समझ में नहीं आएगा, एसी समझ में नहीं आएगा, बट कुछ कुछ टॉपिक जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब समझ में आ जाएगा, तो वो सबको आप जितना कर सकते हो कर लेना क्योंकि वो भी फायदा ही देगा। दूसरा कुछ जरा फ्रेंड सर्कल पे और थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि जैसे जो आपके दोस्त हैं चारों तरफ, वो क्या मतलब कुछ आपने प्लान करके दोस्त बनाए, या क्या दोस्त में कैसे चल रही थी आपका सब कुछ? प्लान करके तो नहीं बनाया था, मतलब कुछ दोस्त थे जिनको पहले से जानता था मैं, मतलब वो लोग भी साथ में थे, सेम क्लास में थे आज से, मतलब सब सेम, ट्यूशन भी सेम था और साथ में क्लासेस में आते जाते रहते थे और घर भी आस पास ही थे, तो काफ़ी फेवरेबल एनवायरनमेंट था वो, और कुछ थे जो घर दूर था, मतलब क्लासेस भी थोड़ी अलग थी, बट वो उनसे भी पहचान हो गई थी, वो भी मतलब ऐसे ऐसे अच्छा पीयर ग्रुप होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, मतलब जैसे आप कभी कुछ प्रॉब्लम में अटक रहे हो तो वो आपको सब वो बता दे कैसे करना है, या फिर आप कोई प्रॉब्लम कर रहे हो उनका जल्दी आंसर आ जाए तो आपको और मोटिवेशन मिलेगा, तो वैसे टाइप के फ्रेंड्स बनाते हैं। बड़ा क्लियरली बात है कि बहुत भारी फर्क पड़ता तो है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो अगर हमसे बेहतर हैं तो हमें फायदा ही, वो पुश करते रहेंगे आपको कि आप अपने मैक्सिमम लेवल अचीव कर पाओ। तो जो आपको लग रहा है कि हम चार दोस्त हैं, हम सब एक ही जैसे हैं, बॉटम से फोर में आते हैं एंजॉय, तो उनके लिए बढ़िया एक संदेश है कि बहुत फर्क पड़ता है कि जब आपके चारों तरफ के लोग आपसे बेटर हैं तो वो आपको पुल पुश सब करते हैं, कई बार वो आपको खींचेंगे भी क्योंकि आप दोस्त हैं, तो आइए भाई साथ में चलते हैं। तो इसीलिए एक जो अपना एनवायरनमेंट है वो एक फ्रेंड सर्कल से बहुत भारी उस एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ता है। अच्छा, आप एक दिन में टेंथ में ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि टॉपर लोग ये बात छुपा लेते हैं, कि आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ते थे, मतलब कैसा शेड्यूल कैसा होता था, एक एवरेज शेड्यूल देखिए। टेंथ में पहले तो स्कूल रहता था, फिर उसके बाद स्कूल से आके ऑलमोस्ट थोड़ा ब्रेक लेके फिर कोचिंग चले जाता था, फिर कोचिंग से आके फिर रात को पढ़ लेता था, फिर सो जाता था। कितने घंटे पढ़ाई हो जाती पढ़ाई कितने घंटे हो चार घंटे हो गए कोचिंग वाले दिन चार घंटे, जैसे आज कोचिंग नहीं है सिर्फ स्कूल है, कोचिंग नहीं है तो ऐसे पढ़ाई कर लेना फिर खेल लेना फिर पढ़ाई कर कितना कितना करीब करीब एक अमेरिका सीक्रेट है जो पाएंगे आसानी से ही बताएंगे, निकालूंगा मैं, चिंता मत करें।
6-7 घंटे। अच्छा, जिस दिन स्कूल भी नहीं है, कोचिंग भी नहीं है, अब बताओ असली बात। कुछ 8-9 घंटे तक। 8-9 घंटे। अच्छा, इतना पढ़ने में तो ये बोर भी हो जाते हैं, आप कैसे बोर क्यों नहीं हुए? ऐसे अगर बोर लग रहा है तो कुछ 10 मिनट का ब्रेक ले लेना, फिर वापस। 10 मिनट बहुत ज्यादा, 10 मिनट समझ गए ना, कुछ बोर हो रहे हैं 2 घंटे जरा घूम के आते हैं। ओके, 10 मिनट का ब्रेक, और फिर कैसे फिर एकदम से आप जाग जाते थे कि अरे फिर से कैसे तैयार हो जाते? मतलब ब्रेक में ऐसा नहीं करना कि मोबाइल में यूट्यूब निकाले कुछ देखने लग गए फिर तो बैठे रहोगे 2 घंटा, तो ऐसे मत करना। मतलब कुछ, मतलब थोड़ा जो कुछ कॉमेडी वीडियो देख लेना अगर देखना है, मतलब वो अच्छा रहता है, उससे भी थोड़ा स्ट्रेस रिलीज होता है, तो वो भी थोड़ा देख सकते हो। उसके बाद एक वीडियो देखा फिर बैठ जाना पढ़ने के लिए। अच्छा, आपका फेसबुक पे अकाउंट होगा 9th, 10th, 11th, 12th में? 9th में था, फिर मैंने 10th में डीएक्टिवेट कर दिया था, फिर अभी एडवांस के बाद खोल लिया। एडवांस के 3 साल बाद। ये लोग तो फेसबुक फैन है कई इसमें बैठे हुए हैं, आधे से ज्यादा लोगों का फेसबुक में अकाउंट है, रोज देखते हैं आप। मतलब कितना जो फेसबुक है या ये सब, कितना इसको बोलते हैं यूज करें या क्या करें? फेसबुक तो यूज मत ही करना, मतलब जैसे अगर ऐसा कुछ है कि किसी सीनियर को कॉन्टेक्ट करना है और कोई और मीन्स नहीं है, सिर्फ उसी फेसबुक पे मिल रहा है, तो सिर्फ उसी पर्पज के लिए यूज करना उसको, नहीं तो फेसबुक तो बेकार ही होता है। मतलब अभी थोड़ा मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब वो क्लियरली बोल रहे हैं कि 9th में हमने भी ट्राई करके देखा और उसके बाद 10th, 11th, 12th में सोचा नमस्ते, और अभी जब 12th में अब सब कुछ भाई बोर्ड में भी टॉपर है, इनके स्कूल के कई लोग बैठे होंगे आई थिंक, डीपीएस के कितने लोग बैठे हैं, रेज योर हैंड, डीपीएस बिलाई, देखिए पूरा डीपीएस बिलाई लग रहा है। हाँ, और आपके स्कूल के टॉपर भी हैं, जेई मेन में भी अच्छा करना, जेई एडवांस में भी अच्छा करना, सो ऑब्वियसली आप देखो एक कंसिस्टेंसी इसीलिए है क्योंकि हर चीज एक वेल प्लान्ड है। ऐसा नहीं कि उन्होंने फेसबुक यूज नहीं की, 9th में यूज करने के बाद समझ गए। तो आपके लिए तो ये 10th है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि कितना यूज करना है कितना नहीं। और ये व्हाट्सएप, इसको कैसे आप यूज करते थे? व्हाट्सएप तो मैं ऐसे अपने फ्रेंड से ही कॉन्टेक्ट करने के लिए यूज करता था, मतलब उन डाउट होते थे मतलब भेज देता था, उनसे पूछ लेता था, और ऐसे कुछ खेलने आने के लिए बुला लेता था उसी से, तो वो थोड़ा यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी ऐसे फालतू चैटिंग करके टाइम वेस्ट मत करना। फालतू चैटिंग मत करना, समझ गए ना, जो एक दूसरे को जो भेज दिया थोड़ी देर बाद उसने भेज दिया, लोगों को बड़ा मजा आता है ऐसे करने। और बाकी ऑनलाइन आप पूरे सिस्टम को कैसे कुछ यूज करते थे पढ़ाई के लिए, क्या वो भी थोड़ा इनको जानकारी मिले? मैं पहले अगर कोई टॉपिक पढ़ता था उसमें कुछ डाउट आ रहा है या किसी टॉपिक में कुछ और पढ़ना है, मतलब जैसे होता है ना कि ये है मतलब इसका भी क्वेश्चन आ गया, ये बन नहीं रहा है, तो इसके इससे रिलेटेड कंसेप्ट बुक में नहीं मिल रही है, तो वो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, तो ऐसे आप नेट का यूज कर सकते हैं। नहीं मतलब आप कितना यूज कर लेते होगे, क्या फ्रीक्वेंटली बैठे रहते थे ऑनलाइन या क्या करते थे? ऐसे मतलब मैं लैपटॉप यूज करता था, और मतलब मैं जब भी वो डाउट आ रहा था उसको निकाल के डाउट तभी तभी देख के बंद कर देता था, क्योंकि इन लोगों से बंद नहीं होता है ना ये, कई बार कुछ लोग इसमें हैं थोड़ा बैठ गए तो ऑनलाइन नाउ हम आए थे डाउट देखने, 2-4 चीजें और देख लेते हैं लगे हाथ, वो तो आपका सेल्फ कमिटमेंट ही है, वो डिपेंड करेगा आपको एग्जाम पे कितना सीरियसनेस है, कितना मन कर रहा है कि हाँ ये मैं निकालूंगा, तो वो आपका कमिटमेंट है कि हम हाँ मेरे को ये करना है तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो वो आप डेवलप करते रहना फिर अपने आप बंद हो जाएगा। फंडामेंटल्स आर वेरी क्लियर, अगर आप थॉमस की सारी बातों को कंक्लूजन में लें तो इन्होंने अपनी हर चीज को उसके साथ जोड़ दिया, खेलना, ऑनलाइन जाना, फेसबुक यूज करना, दोस्ती, सबको एक कनेक्ट किया अपने गोल की तरफ। कोई दोस्त खराब नहीं होता है, इन्होंने क्लियरली कहा दोस्त ये देख के नहीं बनाया जाता है कि ये अच्छा वाला दोस्त है अच्छा वाला, इन्होंने कहा दोस्त बन जाते हैं और फिर उसके बाद वहाँ एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि सब एक जैसा एक दूसरे के साथ बिहेवियर कर रहे हैं, और उस एनवायरनमेंट का लाइफ पे बहुत फर्क पड़ता है। आप खुद भी देखेंगे, अभी आज थॉमस आए हैं, कल इनके दोस्त एरन आएंगे, फिर इनके दोस्त ऋषभ आएंगे, फिर समीर आएंगे, ये 3-4 लोग सब अपना मिलजुल के फुटबॉल खेलना है और पढ़ना है और डाउट डिस्कस करना है और क्लास में अपनी खूब बेइज्जती करवाना है, ये मेन बात है। यानी कहीं ना कहीं हम 3-4 लोग मिले और डिस्कशन इस लेवल पे करें। ये लोग बाहर निकल के भी मेरे ख्याल से क्वेश्चंस ही डिस्कस होते थे क्लास के बाद,
इनको भगाना पड़ता था घर, जाओ भाई ये बाहर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, आप अंदाजा लगाओ कि आप क्या कर रहे हो। आप में से कई लोग बाहर निकलते ही मोबाइल ऑन करते हैं, मोबाइल को चेक करते हैं। ये डिफरेंस है इन लोगों में और बाकी जो लोगों को लगता है कि कैसे टॉपर है, ये है एक मेन वजह। तो पीसीएम रहता था तो मैं फिजिक्स को मैक्सिमम एक घंटा देता था, चाहे कितना भी लेंथी हो, 50 क्वेश्चन आ जाए मैं एक घंटे में जितना कर सकता हूँ करूंगा, और इसे केमिस्ट्री में भी 30-45 मिनट्स और बाकी वैसे मैथ्स को। लेकिन आपने एक काम तो किया ही होगा, एग्जाम से पहले आपने कई बार टेस्ट दिए होंगे, वो टाइम मैनेजमेंट किया होगा ना? वो अपना टाइमिंग, मतलब मेरा तो ऐसा था कि आप डिफर कर सकते हैं आपकी स्पीड के हिसाब से, तो आप कुछ 5-6 एग्जाम जब दोगे तो उसमें देखना कि मेरे को फिजिक्स में कितना टाइम लग रहा है ऐसे टाइप का, फिर उसके हिसाब से डिसाइड करना कि आपका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, आपने बात की, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से बहुत दुखी हो जाते हैं, इस पे आपको विचार रखें। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ऐसा है कि कभी कभी ज्यादा ही सॉल्व करना पड़ जाता है, सर भी क्लास में क्वेश्चन देते थे तो ऐसे कभी जल्दी कभी कभी नहीं आता था आंसर, तो उसमें आपको ऐसे कोशिश करती रहनी है, ऐसे क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते रहना, कभी ना कभी आंसर आ ही जाएगा। वैसे शॉर्ट मेथड्स के बारे में सोचते रहना वो बहुत काम आता है। तो कितने क्वेश्चंस आपने ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व किए होंगे? दो साल में तो काफी है, तो किए होंगे काफी ज्यादा क्वेश्चंस। अच्छा, पढ़ने का पैटर्न क्या होता था? जैसे अभी ये लोग बिगिनिंग में ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री आपने बात कर ली, तो इनका एक पैटर्न क्या है जैसे आपने पढ़ा? मैं तो ऐसे ही क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ता था, मतलब जैसे क्लास में जो टॉपिक हो रहा है वो कर लेता था, किसी एक बुक से हो गया वो बुक से अच्छे से कर ली, तो फिर जिससे तभी दूसरे बुक पे जाना, एक बेसिक वो रखना, फिर उसके बाद एडिशनल बुक से प्रैक्टिस करने के लिए करते रहना, और फिर जब वो टॉपिक हो गया, अगर आपका क्लास में वही चल रहा है तो एक टॉपिक आगे जाके क्लास से थोड़ा आगे भी जा सकते हैं, तो वो भी आपको फायदा ही देगा। और जैसे 11th में आप कितना पढ़ाई कर लेते थे, कितने घंटे की पढ़ाई होती थी 11th और 12th में? बेसिकली जो जब मतलब जो स्कूल होता था, स्कूल को हटा के, कोचिंग हटा के, और फिर थोड़ा डेढ़ घंटा खेल लेता वो सब हटा के, जितना टाइम होता था पढ़ लेता था। कुछ मिनिमम मैक्सिमम कुछ होता था 5-6 घंटे हो जाते थे। अच्छा, ये खेलना कितना जरूरी है, मतलब जैसे ये बहुत जरूरी चीज है या कितना खेलना चाहिए कितना नहीं? खेलना तो काफी जरूरी है, क्योंकि आपका माइंड रिफ्रेश होगा, और जैसे आप काफी दिन काफी प्रॉब्लम्स कर रहे हो तो थोड़ा माइंड भी फ्रस्ट्रेटेड होगा, कुछ तो नहीं बने होंगे, तो वो सब ऐसे एलिमिनेट करने के लिए थोड़ा खेलना चाहिए, उससे मजा आता है काफी, और ज्यादा भी खेलना मतलब 1.5 घंटा है ऑप्टिमम रहता है। ज्यादा नहीं खेलना है, खेलना भी जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल रिलीज करने का बेस्ट तरीका क्या है कि हम खेलें, और इतना ना खेलें कि हम थक गए तो जीरो स्ट्रेस हो गए जाके, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, दूसरा, कई बार ये लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन लिया इन्होंने और वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको क्या लगता है कितनी बार अटेम्प्ट करना चाहिए, या नहीं आ रहा है तो जल्दी से सॉल्यूशन देख लें या सर से पूछ लें, इस पे क्या आप किया है? मैं एक्चुअली एक क्वेश्चन करता था तो उसको करीब अगर नहीं बन रहा था तो कम से कम 10 मिनट्स अटेम्प्ट करता था उसको, फिर उसको कभी एक तब नहीं बना तो थोड़ा बाद के लग देता था, फिर उसके बाद 2-3 बार नहीं बना तो फिर मैं सॉल्यूशन देख लेता था। और सॉल्यूशन भी क्या पूरा देख लेते थे या क्या? सॉल्यूशन से थोड़ा हिंट डिराइव करके आप बाकी को सॉल्व कर लेना, मींस सॉल्यूशन से हिंट देखे। जनरली जो आप लोग करते ना कि कोई क्वेश्चन नहीं आया, एक बार भी नहीं आया, तो उसको मैक्सिमम ट्राई करें, जब आपको लगे कि अब नहीं हो पा रहा है तो सॉल्यूशन देखें और उसमें भी हिंट देखें, तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी मोर बेनिफिशियल, तो ऐसा हमें करना चाहिए। दूसरा, जैसे कई लोगों की ये भी शिकायत है कि वो फार्मूले भूल जाते हैं। फार्मूले तो बार बार रिवाइज करो तो याद रह जाएंगे, कुछ बार बार भूल जा रहे हो तो उसको जैसे कहीं कॉपी में लिख लो और उसको कभी देख लेना बीच बीच में, वैसे कॉन्क्रीट हो जाता है वो, फिर याद हो जाएगा। बार बार करते रहना रिपीटेशन।